दाता सभी की सेवा में समर्पित है। सुनेगा एक गीत फिल्म वालों ने गाया है, कैसे के जुल्मी सैया थानेदार चलो बगिया उई उई माँ उई उई है दुई दुई किशोर क्या बात है कहा बगिया में है यहाँ कहीं नहीं है उई बगिया में उई है चलो दिखाई चलो 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 बगिया उई उई माँ उई उई है दुई दुई किशोर चलो बगिया
चलो बगिया कोई कोई माँ कोई कोई है तुई तुई किशो बोलिए सच्चे दरबार की हेलो 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 बहुत ही सुंदर अभी एक चक्र आप लोगों ने सुना है आदरणीय बहनी ज्योति कमल जी के द्वारा सुंदर सा सवाल रहा सुंदर सा जवाब रहा कुछ कहना सुनना नहीं है क्योंकि ये हम आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारा परम सौभाग्य है कि हम छोटे छोटे कलाकार को सुन रहे हैं हमारे गुरुजन जब सुन रहे हैं तो बहन जी ज्योति कमल जी आपने एक बात कही है कि जो मैंने जो गीत गाया है वो दादा का जवाब गाया है बहन जी आप रुष्ट हो गए मैंने पहले भी कहा कि चाहे दादा राज कमल जी हो चाहे गुरुवर जी हो और चाहे हमारे गुरु बाबा हो इनके गीतों का हम बच्चे केवल प्रयास कर रहे हैं क्योंकि लेखनकार कोई ऐसे विशेष व्यक्ति नहीं कर रहे हैं हमारे कीर्तन जगत में मान लीजिए एक साल ही हुआ है हमारे भैया नटखट भैया का तो केवल प्रयास कर रहे हैं ऐसा नहीं है अगर राजकमल दादाजी का है तो भी हम बच्चे नहीं काट सकते केवल प्रयास करते हैं प्रयास कर रही हूँ और हमारे सम्मानीय बड़े भैया भैया श्री सुनील तिवारी जी पधारे हैं जय हो महाराज महाराज पाए लागो अच्छे वक्त पर गाया है क्योंकि अब विशेष सर्दी पड़ने वाली है उमा हुई हम लोगों की छुट्टी है आइए प्रयास करें कि जुल्मी सैया था लेदार हो चुकी हैं नमन कर रही हूं अपनी ओर से आइए
भी हमारे रोशनी अंजान जी भी आ चुकी हैं, बहुत बहुत नमन है। आइए सुनिएगा। प्रयास कर रही हूँ अपनी ओर से, जब सावर और गोर किशोर सखी ने लखाए माता की ओट में, तो माता जानकी ने देखा, तो जैसे ही माता जानकी ने भगवान राम को देखा, तो देखिएगा हुआ क्या। जब माता जानकी ने देखा राम जी को, तो वो अपने मन मंदिर में पति रूप का स्थान दे चुकी है। जब पति मान लिया, तो माता दौड़ कर गिरजा के चरणों में गिर गई और कहने लगी कि हे माँ, मैंने कुछ मांगा नहीं आज तक, मैंने कुछ मांगा नहीं है, और आज गिरजा पूजन के लिए मेरी माँ ने भिजवाया है, तो भिजवाया है, तो आज एक वर मांगती हूँ, क्योंकि वर मांगने के लिए भिजवाया है, तो वर मांग रही हूँ, और वो मुझे वर मिल गया है। माँ, मुझे वो वर मिल गया है, अब केवल आशीर्वाद की जरूरत है, जब आप कृपा कर देंगे तो होगा। कहने लगे, वो कहने लगे क्या? सीधा नहीं कहा कि राम जी को मेरा वर बनाई है, कहने लगे एक सावर एक कोर संग में दो दो किशोर, एक सावर एक कोर संग में दो दो किशोर, तो देवर हो गोर गोर। माँ, मैं चाहती क्या हूँ, जो जो किशोर है एक सावर एक गोर, तो मैं मांग रही हूँ देवर गोर हो, जब देवर गोर होगा तो मेरे पति ये हो ही जाएंगे। देखिए मर्यादा, देखिए माता जान जान, एक सावर एक गोर संग में दो दो किशोर, एक सावर एक गोर संग में दो दो किशोर, कि देवर हो गोर गोर, कि देवर हो गोर गोर, सावर सावर हो, देवर हो गोर गोर, सावर सावर हो गोर। सुन करके माँ हंस गई, जब माँ ने देखा तो वो मूर्ति हंसी, वो प्रतिमा हंसी, और माता की माल माता वो मुस्काने लगी, तो माता की माल माता जा जा के गले में। सुन करके माँ हंस गई, कि सुन करके माँ हंस गई, माल हंस माल खस गई, माल खस गई, गई मापन में लेकर किशोर। माता ने अपने हृदय में उस सारी सूरत को बंद कर लिया और अपने नेत्र को बंद कर लिया, तो कहेंगे कि सुन करके माँ हंस गई, खस गई, गई मन में कि सुन करके माँ हंस गई, माल खस गई, गई खस गई मन में लेकर। ये रहा आपके सुंदर से गीत का बच्चों की तरफ से प्रयास। अरे हमारे माने सम्माने बड़े भैया, भैया श्री सुनील तिवारी जी, आपके करकमलों से 101 पत्र मुद्राएं भेंट हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। और ये सम्माने बड़े भैया श्री उत्तम उमंग जी, कोठी बाराबंकी
आपके माध्यम से इंसान तक मुद्राएं भेज रहे हैं, आजीवन आशीर्वाद की कामना है। आइए बहुत ही जल्दी में छोटा सा प्रयास करेंगे आपके सुंदर से गीत का, जो आपने सुंदर सा गीत दिया है। Thank you.